बहुजन समाज पार्टी के अध्यक्ष मायावती ने समाजवादी पार्टी के साथ गठबंधन तोड़ने का ऐलान कर दिया है। इस ऐलान के बाद समाजवादी पार्टी के मुरादाबाद से सांसद एसटी हसन ने कहा कि पहले भी हम अकेले लड़ते थे, आगे भी अकेले लड़ेंगे। अखिलेश यादव कभी फोन करके हिंदू मुस्लिम की बात नहीं करते हैं। हमारी पार्टी के पास जनाधार है। बीएसपी के पास एक भी सीट नहीं थी, अब वो 10 सीटों पर है। ये सब मायावती हमारी जुबान से क्यों कहलवाना चाहती है? वही आजम खान ने कहा कि जो कुछ कहा है उन्होंने कहा है, हमारी तरफ से कुछ भी कहा नहीं गया है। उनकी अपनी राय है, अगर वो अकेले चुनाव लड़ना चाहती है तो वो उनकी राय है। जब हम साथ लड़े थे तो सबकी राय थी। समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी उत्तर प्रदेश में लोकसभा चुनाव मिलकर लड़ी थी, लेकिन उन्हें अपेक्षित कामयाबी नहीं मिली। अब बहुजन समाज पार्टी ने अकेले चुनाव लड़ने का फैसला किया है। बहरहाल समाजवादी पार्टी के साथ गठबंधन को लेकर बहुजन समाज पार्टी के अध्यक्ष मायावती ने अपना रुख साफ कर दिया है। ट्विटर पर मायावती ने लिखा है कि पार्टी व मूवमेंट के हित में अब बीएसपी आगे होने वाले सभी छोटे बड़े चुनाव अकेले अपने बूते पर ही लड़ेगी। गठबंधन का जिक्र करते हुए मायावती ने लिखा, वैसे भी जगजाहिर है कि समाजवादी पार्टी के साथ सभी पुराने गिले शिकवों को भुलाने के साथ साथ सन 1912 से 17 में समाजवादी पार्टी सरकार के बीएसपी व दलित विरोधी फैसलों, प्रमोशन में आरक्षण विरुद्ध कार्यों एवं बिगड़ी कानून व्यवस्था आदि को दरकिनार करके देश व जनहित में समाजवादी पार्टी के साथ गठबंधन धर्म को पूरी तरह से निभाया गया है।